परमेश्वर इसहाक के गुना उपाय करते। जब अब्राहम बहुत बुड़गो भय गईस, तब ओको टूरा इसहाक एक मानुष की उम्र को हो गईस। एके गुना अब्राहम ने अपने एक दास को अपने टूरा इसहाक के गुना वा देश में एक लुगाइन लान के गुना भेजिस, जहां ओके रिश्तेदार रहत होतीन। जहां अब्राहम के रिश्तेदार रहत होतीन वा देश को जान की एक लंबी यात्रा के बाद परमेश्वर ने हु दास को मेल मिलाप रिबका से करवाईस, वा अब्राहम के भाई की नातिन होती। रिबका अपने परिवार को छोड़ के हु दास के संग वापस जान के गुना मान गई। जैसे छी वहां पहुंचीन, इसहाक ने ओके से बियाह कर लीस। एक लंबे समय के बाद अब्राहम मर गईस। तब परमेश्वर ने अब्राहम के टूरा इसहाक को अब्राहम के संग बांधी गई वाचा के वजह से आशीष देईस। वह वाचा में परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा होती कि अब्राहम के अनगिनत पीढ़ी होए, पर इसहाक की लुगाइन रिबका को कोई संतान नहीं भई। इसहाक ने रिबका के गुना प्रार्थना करीस और परमेश्वर ने ओ को जुड़वा बच्चा नाउन की गर्भ धारण करण में मदद करीस, जो समय में ही बच्चा रिबका के गर्भ में होतीन ही एक मेक से लड़त होतीन। एके गुना जो कोई भी होत होतीस रिबका ने हु परमेश्वर को बता दे। परमेश्वर ने रिबका से कहीस, तू दो टूरा नाउन को जन्म देबेन, उनकी पीढ़ी दो अलग अलग जाति बनेत ही एक मेक से लड़ेत, पर बड़े टूरा से पैदा होन वाली जाति को छोटे टूरा से आन वाली जाति की आज्ञा माने पाएजे। जब रिबका के टूरा नाउन को जन्म भईस, तो बड़ो टूरा लाल और रुआदार होतीस और हुन्ने ओको नाम एसाव रखीन। फिर छोटो टूरा एसाव की एड़ी को धर के पैदा भईस और हुन्ने ओको नाम याकूब रखीन।